बहुत दिन बाद कोई व्लॉग शूट कर रहे हैं हम और मिंजा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। फेब्रुअरी आता है तो हम लोगों का जो है बहुत एग्जाम होते हैं बच्चों के, तो बहुत बिजी हूँ। कुछ भी रील्स वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ आजकल। भाई आया है दिल्ली से, वो भी रात, कल सुबह आया था, आज चला जाएगा। तो देखिए क्या प्रिपरेशन चल रही है। अभी खा के बैठी है रसावल और नहा कर बैठी है अभी। और ये मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, आटा सब लगा हुआ है। और ये अभी बनाए हैं अम्मी ने देने के लिए कबाब, कच्चे गोश्त के कबाब। तो ये ट्राई हो रहा है कि कैसे बने हैं, मीठे नमक क्यों मिर्च हो रहे? कैसे हैं। थोड़े थोड़े मीठे हैं। मुझे तो मतलब मिर्च कम है हाँ और बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है जैसे कुर्बानी पे कबाब खाते हैं ना, सही कह है ना। रही हो, मतलब सही है। इस टाइम 5 किलो गोश्त भी होता तो अच्छा लगता है ना अम्मी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी कबाब बने हैं। मिर्च भी अच्छी खासी है, चटपटे हैं काफी। मतलब कैसे हैं, मीठा खाओगी? और क्यों लग रहा है? मिंदा और कितने खा सकती हो तुम? मैं रूके खाऊं तो कितने? मतलब 10 खा लोगी, रूखे खाओगी तो। अच्छा सही है, अब हम आपको लेके चलते हैं किचन में। मैं यहाँ आटा गूंदूंगी अब ले जाने के लिए। रोटी भी हम लोग 2-3 दिन की पैक करके देते हैं। ये चल रहा है चिकन की तैयारी। ये चिकन भी उन्हें दिया जाएगा। ग्रेवी तैयार हो रही है। ये गोश्त है और ये चल रही है बिरयानी। ये बिरयानी मैं आपको पकने के बाद ही दिखाऊंगी। किचन बहुत ख़राब हो रहा है अब, इंशाल्लाह किचन में बहुत जल्दी हमारे काम शुरू हो जाएगा। पका के रखी थी रसावल, भाई के लिए रात ही पैक कर दी थी। फ्रिज में हम लोग फ्रीज कर देते हैं उसका, जो भी कुछ होता है ईजीली पहुँच जाता है। ये इन्होंने शेप ऐसा कर दिया है शीट जैसा, क्योंकि रात ये रोल बना के दे देंगी और ये लोग कार में ही खा लेंगे बैठ के, आराम से इजी हो जाएगा खाना खाना। और ये तबारक हैं, ये पापे हैं, और ये कुंडे वाली पूरियां हैं। 2-3 जगह दे दी हैं अम्मी ने। लोग दिल्ली से लाते हैं, हमारे यहाँ यहाँ से जाता है ये सब कुछ। और ये बस जल्दी जल्दी सब लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है जाने का, और बातें चलती रहती हैं। उसका कुछ काम आ गया था भाई का, तो वो कंटिन्यूसली लैपटॉप लेके बैठा हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर रहा था। छुट्टी का दिन भी ऐसे ही चला जाता है, कोई नौकरी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बैकग्राउंड में हमारे यहाँ जो है ना आवाज़ें आती रहती हैं, कबाब कई बार ठंडे हुए, कभी रख गए, फिर रख गए, फिर इधर उधर, ये होते ही रहे। ये है नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए रोटियाँ। और मम्मी लग गई हैं पैकिंग पे। ये हैं बदायूं के फैन, बेकरी वाले बहुत अच्छे होते हैं ये। और ये सब पैकिंग खाने पीने की चल रही है ज़बरदस्त वाली। सालन बिरयानी सब फ्रीज करने के लिए रख दी है। माइक्रोवेव ठीक होगा, और अभी फ़िलहाल के लिए कढ़ाई लेकर जा रहे हैं क्योंकि गर्म करने की खाना बहुत परेशानी होती है। तो हमने कहा माइक्रोवेव रखा है एक एक्स्ट्रा, वो ले जाओ तो वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा इंशाल्लाह। और ये बन रहा है कबाब रोल। पराठों का साइज बहुत बड़ा था तो इस तरह से तोड़ के कबाब रखा है, नहीं पा रहे थे। और चटनी बनाई है कोई, और तारीफ और कई बार पैकिंग इधर उधर, जो फाइनल हमने पैकिंग एक वाइट बैग में खाने की हुई थी तारीफ की, वो आशुने तक खोल दिया, बोला नहीं शोल्डर बैग होता है। वही हम लोग को शोल्डर बैग की आदत है, हाथ में हम लोग बैग कैरी नहीं कर सकते, तो उसने उसी में सारा अपने हिसाब से फोटो किया सेट। और बस 12 बजे अलग से पैक किया खाना, जिससे रास्ते में उन्हें कहीं कुछ टिकट वगैरह में से ना निकालना पड़े। और फिर एकदम से गाइस हमें वार्निंग मिल चुकी है, 5 मिनट में पैक कर दो खाना क्योंकि 5 मिनट में निकलना है। तो ये फाइनल बिल्कुल पैकिंग चल रही है, अब इसी में निकल जाता है संडे हमारा।